दिनासरो इनका नाम सामने आया। मैंने खुदा ना खास्ते अगर कोई क्राइसिस इस्तेमाल होगा उसका। यह ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है कि यहाँ की सरकार को अपदस्थ करने का, बस यही। और हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि हम और तेजी से जो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड है वो बनाने के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सहयोगी जितने विधायक जन हैं, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर। झारखंड में सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की आपात बैठक हुई है। यह बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुलाई थी। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में विधायकों से एक हफ्ता रांची के आसपास रहने को ही कहा गया। विधायकों से कहा गया कि उनकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। वही सीएम हेमंत सोरेन ने विधायकी से इस्तीफा देने वाले पार्टी के नेता सरफराज अहमद की तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजनीति में ऐसा कम ही देखा जाता है कि कोई बलिदान दे। वही सीट खाली कराने को लेकर सीएम सोरेन ने कहा कि ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो इस्तेमाल कर सकते है। सोरेन ने आगे कहा कि मैं सीएम था, हूँ और रहूंगा। वही सरफराज अहमद ने कहा कि पार्टी के हर संकट के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए कोई डील नहीं हुई है। नाम सामने मैंने खुदा ना खास्ते अगर कोई क्राइसिस इस्तेमाल होगा उसका। क्या आपकी सीट से कल्पना सोरेन ये लड़ेंगे चुनाव? ये पार्टी सरफराज जी, क्या डील हुई है राज्यसभा में? आप राज्यसभा जा रहे हैं, डील क्या हुई है? नो डील। सरफराज जी, क्या डील हुई है राज्यसभा जा रहे हैं? कोई डील नहीं भैया, कोई डील। वही कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर हेमंत सोरेन आगे भी बने रहेंगे। बस यही। और हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि हम और तेजी से जो हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड है वो बनाने के लिए हम सब लोग मजबूती के साथ, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सहयोगी जितने विधायक जन हैं, जो हमारे गठबंधन के लोग हैं, सभी मिलजुल कर आगे समन्स को कैसे टैकल। ये देखिए, ये अब तो राजनीतिक समन है, तो इसको अब हम लोग उसका सामना राजनीतिक रूप से करेंगे, कानूनी रूप से करेंगे। और ये पूरी तरह से ईडी अब ईडी हो, जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां, एक मोहरे के रूप में काम करें। सर, आपको लग रहा है कि ठीक बैठक से पहले आज जिस तरीके से अभिषेक पिंटू के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई, आप लोग इस पर अच्छा से जज इसको आप कर सकते हैं कि आज बैठक बुलाई गई और देखिए उनको ये रास नहीं आया और उनको निर्देश आया कि जल्दी से बैठक को असफल करो, लेकिन हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग ठीक है। पर सवाल ये है कि सात समन के बाद भी अगर हेमंत सोरेन नहीं पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, तो क्या कहेंगे? ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना निर्णय है और ये कानूनी रूप से इसका सलाह, इस पर मैं कुछ नहीं। यानी कि आप इन। वही विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। है यह ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है कि यहाँ की सरकार को अपदस्थ करने का, लेकिन हम सब लड़ेंगे और ठोस तरीके से लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। बैठक में क्या कहा? बिल्कुल उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई आपके सामने है, यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और इसे हम सबको समझाना होगा, जनता भी समझ रही है और आप सबका समर्थन रहेगा तो आज भी मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे। इस्तीफे तो, की कोई बात, कुछ बात नहीं, कोई इस्तीफा जब चर्चा ही नहीं हो सकती। सीएम हेमंत सोरेन की बैठक में ईडी की रेड का मुद्दा भी उठा। ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने का प्लान तैयार कर लिया है। अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो वे अपनी पत्नी कल्पना सोरेन की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी करवा देंगे और सरकार की बागडोर उन्हीं के हाथों में बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, QI नेटवर्क।